तो दोस्तों एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास एक मैसेज आता है। वो मैसेज ये होता है कि अगर हमने रिंग मर्चेंट जो भी हम रिंग एप्लीकेशन है उसका हम जो भी हमने पेमेंट लिया है वो पेमेंट रिटर्न नहीं करते हैं तो क्या होगा। आज की इस वीडियो में आपको कम्प्लीट डिटेल बता दूंगा कि इससे आपको क्या होगा और इससे आपको क्या प्रॉब्लम होगी, क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती, आपको घबराने की ज़रूरत है या नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर दोस्तों अभी तक भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि रिंग एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपकी आधार कार्ड और आपकी पैन कार्ड के भी बिना आपको एक लिमिट प्रोवाइड करवा देती है आपके मोबाइल नंबर और OTP के थ्रू। ये दोस्तों आपको एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको एक छोटी सी यानी कि दोस्तों आपको लिमिट प्रोवाइड करवाती है। ये पे लेटर एप्लीकेशन है ये, इसमें आपको नो इंटरेस्ट नो चार्ज कोई भी आपको चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो होती है वो मर्चेंट QR कोड पर करनी होती है। अगर दोस्तों आपको भी मर्चेंट QR कोड नहीं मिल रहा है तो दोस्तों ये स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इस पर आपको मैसेज करना है और बोलना है कि मेरे को मर्चेंट QR कोड चाहिए। अगर दोस्तों आपको बनवाना भी है तो भी आप मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर दोस्तों आप इस रिंग एप्लीकेशन की जो भी आपको लिमिट मिली हुई है अगर दोस्तों उसको आप पे नहीं करते हो तो क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो भी एप्लीकेशन है ये आपके मोबाइल नंबर से अटैच होती है। आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड और आपके पैन कार्ड में 100% लगा होता है। ये दोस्तों उससे आपकी डिटेल पूरी ऑल आपकी डिटेल उठा लेता है। और इससे क्या होगा, अगर दोस्तों आप भविष्य में यानी कि दोस्तों आप इसका पेमेंट पे नहीं करते हो तो दोस्तों आपको क्या होगा, आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा। कभी भविष्य में अगर दोस्तों आप लोन लेना चाहते हो तो दोस्तों उसके बाद में आप लोन नहीं ले सकते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और काफ़ी सारे लोग ये मेरे को मैसेज करके बोलते हैं कि भाई अगर हमने रिंग एप्लीकेशन का जो भी पेमेंट है वो नहीं भरा क्या हमारे पास में एजेंट आएगा। तो भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा आज तक हुआ तो नहीं है। बट हाँ, आपके जो भी आपके नंबर दे रखे हैं आपने उस पर कॉल ज़रूर आएगी, बार बार कॉल करते रहेंगे इसने वो जो भी रिंग मर्चेंट के कस्टमर केयर हैं वो आपके पास बार बार कॉल करते रहेंगे, कॉल बैक करते रहेंगे और आपका भविष्य में आपको कभी लोन नहीं मिलेगा, ये 100% गारंटी है। तो दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको रिंग मर्चेंट से आपने जो भी पेमेंट ले ली है और उसको पे ना करो। तो दोस्तों ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना और ना ही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भविष्य का कोई पता नहीं है किस टाइम आपको ज़रूरत पड़ जाए पैसे की। तो मेरा सजेशन यही है कि आप किसी का भी पैसा नहीं रोकना चाहिए। तो दोस्तों सब बहुत सारे काफ़ी लोगों का मेरे पास कमेंट आता है, मैसेज आता है कि अगर हमने पेमेंट इसका पे नहीं किया तो क्या हुआ। तो आई होप आप सब कुछ समझ चुके होंगे। ये वीडियो आपके लिए ही स्पेशल मैंने इसीलिए बनाई है कि सबको मैं बता देता हूँ इससे क्या होता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर दोस्तों अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।